Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamari 18th class hai jo ki 17th ki continuation mein hai. Last class mein humne ek story dekhi thi jisme humne us story ko present past aur future simple ke andar translate kiya tha aur uske andar humne preposition ke phrases bhi dale the, in, out, from, is tarah ke jo lafz hote hain prepositions, aur iske alawa state sentences bhi dale the. Lekin state sentences do tarah ke hote hain, be और have. हमने be वाले इस्तेमाल किए थे. be और have की मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको जो है ना डिटेल दे दूँ. be वाले ऐसे होते हैं आप खुद कुछ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट बोर्ड खुद क्या है, ये वाइट है. दिस बोर्ड इज़ वाइट, इसकी हालत ये है कि ये वाइट है. और किसी के पास कुछ हो तो आई हैव दिस बोर्ड, तो मेरे पास ये बोर्ड है. इसमें भी कोई एक्शन ज़ाहिर नहीं हो रहा, मलकियत ज़ाहिर हो रही है. तो स्टेट का हालत वाले जुमलों में से, लेकिन ये मलकियत जाहिर करने वाला तो हैव कैटेगरी. और ख़ुद कुछ हो तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचर, तो ये बी टाइप का जुमला है. लेकिन मैं कहूँ आई हैव अ टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स, तो ये मेरा अब हैव टाइप का जुमला हो गया. तो ये दोनों एक्शन सेंटेंसेस दिए हैं, स्टेट सेंटेंसेस, लेकिन एक पोजेशन जाहिर कर रहा है मतलब मलकियत, और एक जो है ख़ुद कुछ होना जाहिर कर रहा है. अच्छा, कल वाली स्टोरी को ही आज मज़ीद थोड़ी डिटेल के अंदर, कल से थोड़ी चेंज है वो स्टोरी, लेकिन थोड़ी और रियलिस्टिक है. और अभी भी हमारे मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया उस स्टोरी को. अभी भी कुछ ऐसे पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो कि इम्पॉर्टेंट है बेसिक इंग्लिश को सीखने के लिए भी. ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक जो कर लिया वो नाउन कर लिया है, वर्ब कर लिया है और प्रेपोजिशंस कर लिया है. हमें एडवर्ब और एडजेक्टिव और कंजंक्शन, एडजेक्टिव चलो ज़रूरी फिर भी नहीं है. एडजेक्टिव मतलब कोई किसी इसम की सिफ्त बयान करने वाला लफ्ज़ एडजेक्टिव कहलाता है. तो एडजेक्टिव तो हम एज अ वोकैबुलरी याद कर सकते हैं, लेकिन एडवर्ब और हमारे फाइनली कंजंक्शंस जो कि दो जुमलों को ज्वाइन करने में मदद देते हैं, वो कंजंक्शंस कहलाते हैं वर्ड्स. और एडवर्ब्स जो हैं हमारे वो किसी डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे मैं कहूँ इन द मॉर्निंग, तो इसमें इन तो प्रेपोजिशन है, लेकिन ये पूरा इन द मॉर्निंग ये वक्त का हमें जो है ना बता रहा है, तो ये पूरा हमारा एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है. अब मैं कहता हूँ गो देयर, टी एच ई आर ई देयर, मतलब वहाँ जाओ, तो इसमें जो देयर है ये हमारा एडवर्ब है. तो ये एडवर्ब के जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो भी बेसिक बेसिक एटलीस्ट हमें याद हो तो एडवर्ब भी कवर हो जाएगा. बट वी आर मूविंग ऑन, अभी आगे बढ़ते हैं हमारी उसी स्टोरी के साथ, थोड़ी चेंज है ये वाली. रात के 9 बज रहे थे. अब हमें ये डिसाइड करना है एक्शन सेंटेंस है स्टेट सेंटेंस है, क्योंकि अगर ये एक्शन सेंटेंसेस हुआ तो रहे थे कि वैसे हमारा कंटिन्यूस में काउंट होगा, पास्ट कंटिन्यूस में. लेकिन ये हमारा एक्शन सेंटेंस नहीं है, ये हालत बयान कर रहा है कि 9 बज रहे थे, 9 बजे का वक्त हो रहा था. तो रात के 9 बजे, रात के 9 बज रहे थे, मैं और अहमद तैयार हो रहे थे. अब ये तैयार हो रहे थे ये हमारा यहाँ कोई एक्शन है कि मतलब हम रेडी हो रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, बाल बाल बना रहे थे, तो ये हमारे यहाँ एक्शन है. तो ये स्टेट है, और स्टेट में कौन सा है, कोई मलकियत जाहिर हो रही है, नहीं, ये बी टाइप की स्टेट है, मतलब कुछ कुछ खुद कुछ था. तो रात के 9 बज रहे थे, तो इट्स लाइक इसकी हमारी जो इंग्लिश बनेगी वो बी टाइप के सेंटेंस में बनेगी. और बी टाइप के सेंटेंस में लिखा था कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो उस बोर्ड में लिखे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट में रहते हुए वॉज वर है, प्रेजेंट में रहते हुए इज एम आर है, और फ्यूचर में विल भी है. तो इसमें से वॉज और वर में से कुछ लगेगा, लेकिन अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या. हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके साथ वॉज लगना है या वर लगना है. अब रात के 9 बज रहे थे, तो इसमें जो है ना हमारी इंग्लिश एग्जैक्टली ये नहीं होगी कि जिसमें रात का भी लफ्ज आ रहा हो. ठीक है, हम सिंपल बना देंगे, इट वॉज 9 PM. PM मतलब रात का टाइम, इट वॉज 9 PM, रात के 9 बज रहे थे. ठीक है, इसमें नाइट का लफ्ज नहीं आ रहा. यूं भी कह सकते थे इट वॉज 9 o'clock इन द नाइट, लेकिन इट वॉज 9 PM ये हमारा सही है. अहमद एंड आई वर गेटिंग रेडी, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो अहमद एंड आई ये हमारा सब्जेक्ट है, दो है, तो इसलिए वर लगेगा. पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वॉज लगाए या वर लगाए, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाए. तो गेट रेडी, गेट रेडी ये हमारा पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब जिसमें वर्ब शामिल है और तैयार होने की हालत सूरत शामिल है, रेडी. तो गेट रेडी हमारे एक्शन को जाहिर करता है. अब इसमें से हमारा जो एक्शन वर्ब है वो गेट है, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चला जाएगा, गेटिंग हो जाएगा. तो अहमद एंड आई वर गेटिंग रेडी, हम तैयार, अहमद और मैं तैयार हो रहे थे. हमारा मोबाइल बजा, अब हमारा मोबाइल बजा ये हमारे पास्ट का सिंपल है,
कि रिंग हुआ मोबाइल, तो आवर फोन रैंग, रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रैंग सेकंड फॉर्म है, पास सिंपल का जुमला है ना, तो आवर फोन या हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा फोन सब्जेक्ट है और वो बजा रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, ठीक है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। हमसे कॉल छूट गई, मतलब मिस हो गई, ठीक है, तो वी मिस्ड द कॉल, हमने कॉल, हमने मिस कर दी कॉल, तो वी मिस्ड द कॉल। फिर हमें एक टेक्स्ट मैसेज मिला, देन वी रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज, मतलब रिसीव वसूल करना, हासिल करना, तो फिर की इंग्लिश होती है देन, उसके बाद देन वी रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज, हमने रिसीव किया, पास्ट का है तो इसलिए रिसीव की सेकंड फॉर्म आई, रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज हमारा ऑब्जेक्ट है। अली का मैसेज था, इट वॉज अलीज मैसेज। अब हमें इट लगाना आना चाहिए थोड़ा सा, जब हमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो, ठीक है, और हालत बयान हो रही हो, मिसाल तौर पे वो मैसेज अली का मैसेज था, तो इट वॉज अलीज मैसेज, ठीक है, गर्मी थी तो इट वॉज हॉट, अब गर्मी थी उसके आसपास हमें कुछ नहीं पता, तो उस दिन गर्मी थी, इट वॉज हॉट दैट डे, क्योंकि गर्मी थी, हम हॉट के लफ्ज के आगे पीछे कुछ तो लगाना पड़ेगा हमें, हालत बयान हो रही हो जब और सब्जेक्ट क्लियर ना हो रहा, तो इट का इस्तेमाल कर लेते हो, तो इट वॉज हॉट, इट वॉज अलीज, इट वॉज अलीज मैसेज, अली का मैसेज था, और अली का मैसेज क्या था, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, रहा हूँ की वजह से, अब ये मैसेज उसका इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, वैसे पास की सिचुएशन है, तो पास की सिचुएशन में रहा हूँ तो आ ही नहीं सकता, रहा था आ सकता है, लेकिन जिस बंदे ने मैसेज किया उसका एग्जैक्ट मैसेज उस वक्त तो यही आया होगा ना कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और हमने उसका एग्जैक्ट मैसेज इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, कोटेशन मार्क्स भी कहलाते हैं। मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग इन द कार, आई एम वेटिंग इन कार, जल्दी आओ वरना देर हो जाएगी, कम क्विक, जल्दी आओ, ये एक ऑर्डर है, ये हमारा इम्पेरेटिव जुमला एक तरह से, कम क्विक, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब वरना, कम क्विक अदरवाइज वी विल गेट लेट, हमें देर, हम देर से पहुँचेंगे, हमें देर हो जाएगी, तो वी विल गेट लेट, ये फ्यूचर सिंपल का जुमला आ गया, ठीक है। अच्छा, वो हमें दावत पे ले जा रहा, वो हमें दावत पे ले जा रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, जा ले जा रहा था, रहा था की वजह से, तो ही वॉज टेकिंग अस टू ट्रीट या टू फीस्ट, फीस दावत को कहते हैं, लेकिन ट्रीट वाली दावत जो होती है ना, कोई किसी को ट्रीट देता है, तो ट्रीट के लफ्ज़ से आती है। हम जब रेस्टोरेंट पहुँचे, हमने देखा कि बाहर बहुत सिक्योरिटी थी, और जब रेस्टोरेंट की तरफ अली, हम सब, मैं अहमद और अली जब पहुँचे रेस्टोरेंट की तरफ, पार्किंग की तरफ है, देख रहे हैं यार बड़ी सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, तो लगता है कि प्रॉब्लम होगी, कोई VIP आया हुआ है, शायद घुसने ना दे, तो यही हुआ। हम जब रेस्टोरेंट पहुँचे, व्हेन वी रीच्ड द रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट पहुँचे, व्हेन वी रीच्ड द रेस्टोरेंट, वी रीच्ड द रेस्टोरेंट का मतलब ये हो गया हम रेस्टोरेंट पहुँचे, इसके बाद व्हेन लग गया तो इसका मतलब जब, लफ्ज व्हेन जो है उसका मतलब कब भी होता है जब ये सवाल के तौर पर आता है, और जब जवाबी सूरत हाल में आता है तो इसका मतलब होता है जब। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, क्योंकि सवाल है, आर यू कमिंग सवाल है, क्या आप आ रहे हो, और उससे पहले व्हेन लगा दो, व्हेन आर यू कमिंग, तो आप कब आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये जवाबी सूरत हाल है, व्हेन वी रीच्ड द रेस्टोरेंट, क्योंकि वी रीच्ड द रेस्टोरेंट इसका मतलब हम पहुँच गए रेस्टोरेंट, और उससे पहले व्हेन लग गया, तो व्हेन वी रीच्ड द रेस्टोरेंट, जब हम रेस्टोरेंट पहुँच गए। हमने देखा कि बाहर बहुत सिक्योरिटी थी, जब हम पहुँचे तो रेस्टोरेंट के बाहर हमने बहुत सिक्योरिटी देखी। वी सॉ, हमने देखा, दैट देयर वॉज टू मच सिक्योरिटी आउटसाइड, आउटसाइड द रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट के बाहर, तो लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस है रेस्टोरेंट की बात हो रही है, इसलिए बार बार रेस्टोरेंट लिखना जरूरी है। तो हमने देखा था कि दैट देयर वॉज टू मच सिक्योरिटी, कि वहाँ बहुत सिक्योरिटी थी, टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। मच और मैनी ये भी हमारे एडवर्ब्स ही हैं, ठीक है ना, लेकिन मच का मतलब क्या होता है, बहुत, और मैनी का मतलब भी बहुत होता है, इन दोनों का मतलब है बहुत, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क है। अगर मैं कहूँ ना, मिसाल के तौर पे कोई भी काउंटेबल चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, हम शॉप पे गए तो वहाँ बहुत सारे मोबाइल रखे थे, तो मैं कहूँगा व्हेन वी वेंट टू द शॉप देयर वर टू मैनी मोबाइल्स,
T-002, there were too many mobiles, yeah, there were many mobiles, वहाँ बहुत मोबाइल थे. और मच कब आता है? क्योंकि मोबाइल तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने लगाया. मच कब आता है? जब कोई अनकाउंटेबल चीज़ हो. फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज टू मच वाटर ऑन द रोड्स, रोड पे बहुत पानी था, तो उसमें देर वॉज टू मैनी वाटर ऑन द रोड नहीं कहूँगा, या देर वॉज मैनी वाटर ऑन द रोड नहीं कहूँगा, बल्कि देर वॉज मच वाटर ऑन द रोड. उसको काउंट नहीं कर सकते, सही. इसी तरीके से हेयर की बात करें तो टू मच हेयर या मच हेयर, क्योंकि हेयर भी काउंटेबल नहीं है. मैनी हेयर नहीं बोलेंगे, टू मैनी हेयर नहीं बोलेंगे. अगर किसी के लिए हमने टू मैनी हेयर का इस्तेमाल कर लिया तो यकीनन उसके बाल बहुत कम है, क्योंकि मैनी लगा दिया तो बड़े काउंटेबल से बाल है. वो काउंटेबल में होते हुए ज़्यादा है, वो एक अलग बात है. एनीवेज, हमने देखा कि बाहर बहुत सिक्योरिटी थी. वी सॉ दैट देर वॉज टू मच सिक्योरिटी आउटसाइड. तो इस बहुत, अब सिक्योरिटी भी देखा जाए तो काउंटेबल हो अगर हम सारे गार्ड्स को काउंट कर ले, लेकिन सरसरी तौर पे देखो ना तो गार्ड्स फैले हुए हर तरफ, सिक्योरिटी है, पुलिस है, सब हर तरफ फैले हुए अलग अलग किस्म के लोग, तो टू मच का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे, कोई भी काउंट करने नहीं बैठ रहा. अगर ये बोलता ना कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत सारे थे, तो इसका मतलब अब सिक्योरिटी लफ्ज़ की बात नहीं हो रही बल्कि सिक्योरिटी गार्ड्स की. तो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मैं मैनी लगता, देर आर टू मैनी सिक्योरिटी गार्ड्स. लेकिन जनरली सिक्योरिटी के लिए आप बोल रहे हो. अब उस सिक्योरिटी में कैमराज भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, और जो है ना आपके पुलिस वाले भी शामिल है, सारा सर्वेलेंस सिस्टम शामिल है, तो वो सब जो है ना वो काउंटेबल में लिया गया, उसके लिए मच लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, तो व्हेन वी रीच्ड वी सॉ दैट देयर वर टू मच सिक्योरिटी आउटसाइड. अली ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया. अली ने कहा अब यार मजीद आगे नहीं आना. अली ने आगे से बढ़ने से इनकार कर दिया और कहा चौकीदार घुसने नहीं देगा, कहीं और चलते हैं. ये अली के अल्फाज हैं इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है ना. और जब इन्वर्टेड कॉमास में आ रहे हैं तो एग्जैक्टली उसके अल्फाज हमने यहाँ पर नकल किया, चौकीदार घुसने नहीं देगा. ये चौकीदार नहीं घुसने देगा, ये हमारा फ्यूचर सिंपल का है, और फ्यूचर सिंपल में भी नेगेटिव वाला सेंटेंस है, नहीं घुसने देगा और कहीं और चलते हैं. फिर ये कहीं और जाने की तजवीज़ दे रहे हैं. अच्छा, अली ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया. अली रिफ्यूज्ड, इनकार करने को कहते हैं रिफ्यूज़. तो रिफ्यूज़ की सेकेंड फॉर्म रिफ्यूज्ड. अली रिफ्यूज्ड टू गो अहेड, जाना, अहेड का मतलब आगे. अली रिफ्यूज्ड टू गो अहेड एंड सैड, और कहा. से की सेकेंड फॉर्म SAID सैड है, थर्ड फॉर्म भी सैड होती है, और फोर्थ फॉर्म सेइंग होती है, लेकिन हम यहाँ सैड सेकेंड फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पास्ट सिंपल का जुमला चल रहा है. अच्छा, पास्ट सिंपल का जुमला अगर, तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, फिर वेंट क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि पहले उस जुमले में रिफ्यूज को सेकेंड फॉर्म के तौर पर ले लिया, तो अली रिफ्यूज. और फिर दूसरी एक वजह यह भी है कि TO2 जब भी लगता है ना, तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो हमें टेंस का पता चलता है वो TO2 से पहले वाले वर्ब से ही पता चलता है. TO2 से पिछला वर्ब जो है वैसे ही सेकंड फॉर्म है, तो हमें एक तो दोबारा सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात TO2 के साथ वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. तो खैर, अली रिफ्यूज्ड टू गो अहेड, अली ने इनकार कर दिया आगे जाने से, और कहा गार्ड विल नॉट अलाउ अस. विल नॉट फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव, गार्ड विल नॉट अलाउ अस टू एंटर, ठीक है, हमें अलाउ नहीं करेगा टू एंटर, एंटर होने के लिए, दाखिल होने के लिए. लेट्स गो समवेयर एल्स. अब ये जो लेट्स गो है, इसका मतलब है चलो चलते हैं. अब मैं कहूँ लेट्स ईट, चलो खाते हैं, सही है. ये लेट्स का लफ्ज़ जो है ना, ये दो अल्फाज का मिलके बना है, लेट और अस. अब लेट अस ईट का मतलब हमें खाने दो वैसे, लेकिन अगर इसको मैं लेट्स ईट कह दूँ ना, तो इसका मतलब फिर बन जाता है चलो खाते हैं. लेट्स ईट, चलो खाते हैं. लेट्स गो, चलो चलते हैं. लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं. तो खैर, इसने कहा लेट्स गो समवेयर एल्स, कहीं और चलते हैं, ठीक है. ये इसकी तजवीज़ थी अली की. उसके बाद नीचे अहमद ने कहा हम कहीं और, अहमद ने कहा, ये पास सिंपल में ही है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली बात जो है. अहमद ने कहा, अहमद सेड, हम कहीं और ही जा रहे हैं. तो कम अज़ कम की इंग्लिश है एटलीस्ट, कम अज़ कम इतना तो कर लो एटलीस्ट. तो हम कहीं और ही जा रहे हैं, तो कम अज़ कम हमें कोशिश ही कर लेनी चाहिए घुसने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. वैसे ही कहीं और जाना है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ नहीं घुस रहे, पूछ के देखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा घुसने नहीं देंगे, तो कहीं और वैसे ही फिर चले जाएंगे हम. अच्छा, अहमद सैड इफ़ वी आर गोइंग एनी वेयर एल्स,
हम कहीं और जा रहे हैं, अच्छा वहां पर अगर का लफ्ज नहीं लगा, अगर लगता, अगर की इंग्लिश होती है इफ, तो अगर लगा दे, अगर हम कहीं और ही जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग एनी वेयर एल्स, तो कम अज कम हमें कोशिश ही कर लेनी चाहिए घुसने की, देन एटलीस्ट वी शुड ट्राई, मुझे कुछ कर लेना चाहिए, आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना होगा, आई मस्ट डू समथिंग, ये सारे वर्ड जो है ना, मस्ट और डू, ये सारे वर्ड जो होते हैं, मस्ट, शुड, कैन, कुड, ये अल्फाज सारे कहलाते हैं मॉडल्स, मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब्स कह लो। तो ये हमारे जो है, अगेन ये एक और टॉपिक है अलग से, फिलहाल हम वो नहीं कर रहे, जो जो बीच बीच में आते जाएंगे बताते जाऊंगा। तो शुड का मतलब कुछ कर लेना चाहिए, मिसाल तौर पर आई शुड टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड डू दी एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू कैन डू दी एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैन का मतलब कुछ कर सकने की एबिलिटी। इसी तरीके से यू मस्ट डू दी एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइजेज आपको करनी होंगी, मस्ट जोर देता है। एनीवेज यहां पर आ रहा है शुड, तो कह रहा है देन एटलीस्ट वी शुड, कम अज कम हमें एंटर होने की ट्राई कर लेनी चाहिए, देन एटलीस्ट वी शुड ट्राई, हमें कर लेनी चाहिए ट्राई टू एंटर, एंटर होने की, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम अज कम, एट मोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा, एट मोस्ट व्हाट विल हैपन, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर सिंपल का जुमला है। अच्छा, और ये क्वेश्चन नहीं है, और ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, तो इसके जवाब में कोई आंसर नहीं देगा, ये तो हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिखने में क्वेश्चन लग रहा है व्हाट विल हैपन, लेकिन ये एक तरह से जज्बात के साथ जुमला है, तो ये हमारे इंपेरेटिव्स के अंदर काउंट होता है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में काउंट होता है, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लग रहा है इस पर, इसका जवाब नहीं होगा कोई। अहमद ने जाकर मुंतजिम को बोला, मुंतजिम का मतलब मैनेजर कहीं का, अहमद ने जाकर मुंतजिम को बुलाया, गया गार्ड को बोला कि भाई मैनेजर को बुलाओ, तो अहमद ने जाकर मुंतजिम को बुलाया, उससे गुजारिश की तो उसने हमें घुसने दिया, अहमद वेंट, अहमद गया एंड कॉल्ड द मैनेजर, और मुंतजिम को बुलाया, ये पास सिंपल में, ही रिक्वेस्टेड हिम, और उससे रिक्वेस्ट की, ये सब रिक्वेस्ट की थी, बुलाया था, गया था, ये सब था थी थे उसके साथ, इम्प्लाइड है सबके साथ, क्योंकि सिचुएशन ही पूरी पास सिंपल में चल रही है। अहमद वेंट एंड कॉल्ड द मैनेजर, ही रिक्वेस्टेड हिम, उससे अहमद ने, ये ही अहमद के लिए लगा है, रिक्वेस्टेड हिम, और ये हिम जो है मैनेजर के लिए लगा है, तो ही मतलब अहमद रिक्वेस्टेड हिम, किससे रिक्वेस्ट किया, मैनेजर से, ही रिक्वेस्टेड हिम, सो ही अलाउड, अब अलाउ किस, ये वाला ही किसके लिए, अलाउ कौन करेगा, मैनेजर, ये जुमले को पूरा पढ़ के हमें ऑब्वियस हो रहा है कि अलाउ करने की जो सलाहियत है फिलहाल वो मैनेजर के पास है, सो ही अलाउड अस टू एंटर, ठीक है, और उसने हमें दाखिल होने की इजाज़त दे दी, ही अलाउड अस टू एंटर, वो एक यादगार तजुर्बा था, अभी अगेन वो एक यादगार तजुर्बा था, ये हमारा हालत बयान हो रही है, जुमला एक्शन का नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट ये, या तो वो इवेंट का कहूँ, दैट इवेंट वॉज मेमोरेबल, या तो ये बोल सकता हूँ, लेकिन वो एक यादगार तजुर्बा था, ये नहीं बोला कि वो वाकया एक यादगार तजुर्बा था, अगर ये होता ना वो वाकया एक यादगार तजुर्बा था, तो मैं कहता दैट इवेंट वॉज मेमोरेबल, लेकिन वो एक यादगार तजुर्बा था, तो इसमें कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो इट वॉज कह दो, या हाँ इट वॉज ही होगा, बल्कि इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, यादगार तजुर्बा था। बहरहाल अब इसके अंदर ये तो हमने बुलेट पॉइंट्स के, मतलब पॉइंट्स की सूरत में लिखा है अलग अलग, इसको पूरे पैराग्राफ में अगर आप जमा कर दें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ज्वाइनिंग वर्ड्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो कि कहलाता है हमारे कंजंक्शंस, ठीक है, कहीं एडवर्ब की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो हमने नहीं पढ़े फिलहाल, हमने जुमलों को तोड़ तोड़ के किया, लेकिन स्टिल ये पिछले वाले सेशन से थोड़ी सी और इम्प्रूव्ड स्टोरी है, ठीक है, एक ही स्टोरी के अंदर हमारे पास अलग अलग किस्म के टेंसेस इस्तेमाल हो जाते हैं। अब लैंग्वेज को लेकर कुछ टिप्स पे बात करते हैं। देखें हमारे जो सेशन चल रहे हैं उसकी इब्तिदा बिल्कुल उर्दू से स्टार्ट हुए थे हम, और इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम बनाना शुरू हो गए हैं, अब ये प्रैक्टिस रिक्वायर करता है, और हमारी वेबसाइट esquadacademy.online पे हम वक्त के साथ साथ कोई ना कोई असाइनमेंट देते चले आ रहे हैं, तो उसकी तो प्रैक्टिस लाजमी करें। अब यह है कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स निकलते हैं, एक तो बोलने का है स्पीकिंग, एक सुनने का है लिसनिंग,
रीडिंग है फिर और राइटिंग है। तो ये चारों में से हमारा जो अभी फर्स्ट फोकस है वो रीडिंग और लिसनिंग की तरफ है, और उसके बाद आपकी इसके साथ साथ इम्प्रूव जो चीज़ होगी ना सबसे पहले वो होगी राइटिंग, लिखना बेहतर हो जाएगा, बोलना सबसे आखिरी का स्टेप है, ठीक है। लेकिन स्टिल बोलने की प्रैक्टिस शुरू से हम कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके। अच्छा, सबसे पहले रीडिंग और लिसनिंग के अंदर रहते हुए भी हम ग्रामर के ऊपर आ जाते हैं कि हमने ग्रामर जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आप किस तरह से करेंगे। देखिए, ग्रामर की तो हमने जो है ना बहुत पीछे से टेंसेस से स्टार्ट हुए। ग्रामर की सिंपल प्रैक्टिस ये है कि आपके पास एक सामने जुमला आता है, जितने टेंसेस आपने अभी तक किए हैं उस जुमले को उन सारे टेंसेस में कन्वर्ट करो, और उसके साथ साथ कोई हालत वाला जुमला भी साथ जोड़ दो। मिसाल के तौर पर हमेशा एक सिंपल मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त गाड़ी चला रहे हैं, तो ये एक जुमला है, मैं और मेरे दोस्त गाड़ी चला रहे हैं। अब इसमें माई फ्रेंड्स एंड आई सब्जेक्ट के तौर पे यूज़र है, माई फ्रेंड्स एंड आई आर ड्राइविंग द कार, फिर इसको पास्ट कंटिन्यूस में ले जाओ, माई फ्रेंड्स एंड आई वर नॉट ड्राइविंग द कार, वर ड्राइविंग द कार, फ्यूचर कंटिन्यूस माई फ्रेंड्स एंड आई विल बी ड्राइविंग द कार, ठीक है। अब इन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में ले गए, अब इनके नेगेटिव बनाओ, तो माई फ्रेंड्स एंड आई आर नॉट ड्राइविंग द कार, वर नॉट ड्राइविंग द कार, will not be driving the car, फिर इसका question बना दो, are my friends and I driving car, were my friends and I driving car, ये इस तरह से, फिर future का भी जो हमने पिछले lectures के अंदर किया है, तो इस तरह से question बनाओ, negative question बनाओ, तो हमारे continuous के 12 sentences मुकम्मल हो गए, ठीक है। उसके बाद यही सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लेके जा सकते हैं कि my friends and I drive the car, मैं मेरे दोस्त और मैं गाड़ी चलाते हैं, फिर मेरे दोस्त और मैंने और मेरे दोस्तों ने गाड़ी चलाई थी, मैं और मेरे दोस्त गाड़ी चलाएंगे, फिर इसका नेगेटिव, फिर क्वेश्चन, इस तरह से करके हमारे 12, तो ये 12 हमारे 24 सेंटेंसेस ये पूरे करो, तो ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद उसके आगे पीछे कुछ आप स्टेट का सेंटेंस जोड़े, माई फ्रेंड्स एंड आई वर हैप्पी, मैं और मेरे दोस्त खुश थे कि हम गाड़ी चला रहे थे, दैट वी वर ड्राइविंग द कार, ठीक है। अब माई फ्रेंड्स एंड आई पहले स्टेट के सेंटेंस में आ गया ना, माई फ्रेंड्स एंड आई वर हैप्पी, हम खुश थे, तो अब उसके बाद माई फ्रेंड्स एंड आई वर ड्राइविंग द कार नहीं बोलेंगे, हमारा सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स एंड आई की जगह सिंपल वी हो जाएगा, वी वर ड्राइविंग द कार, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स एंड आई वर हैप्पी, मैं और मेरे दोस्त हैप्पी थे, दैट के वी वर ड्राइविंग द कार, हम गाड़ी चला रहे थे इन द ग्राउंड, ठीक है। ये हमारा पहला दिन था गाड़ी को लेकर, और कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि वो हमें गाड़ी दे देंगे और हमारा लाइसेंस भी तब तक बन के आ जाएगा। इस तरह से करके अब जोड़ी स्टोरी अपने पास से उर्दू में और उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ये एक तरीका हमारा ग्रामर प्रैक्टिस का बस, ठीक है। और उससे आपके रिटन फ्लो में भी थोड़ी इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी, और फिर ग्रामर के साथ जब आप इंग्लिश को लेके चलते हैं ना, तो आपके जहन में एक चीज़ तो इम्प्रूव हो जाती है कि एकदम आपको इंग्लिश नहीं आती थी तो उर्दू से इंग्लिश तो आना शुरू हो गई है, लेकिन दूसरा मसला इसके साथ साथ खड़ा होना शुरू हो जाता है, वो क्या है कि आप लैंग्वेज को लैंग्वेज में रहते हुए नहीं सोचते। जो ज़बान है वो अहले ज़बान क्या करता है, वो कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा होता, जैसे हम उर्दू है, उर्दू को किसी और ज़बान में सोचें और उसको ट्रांसलेट करें उर्दू में, ऐसा नहीं, बस निकल रही होती है फिलबदी हमारे मुँह से, तो इंग्लिश भी फिलबदी मुँह से निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रीडिंग करें ज़्यादा, क्योंकि अभी जब ग्रामर से सीखेंगे ना तो हर अगले जुमले को पहले उर्दू में सोच के ट्रांसलेट करेंगे, इब्तदाई तौर पे तो बिल्कुल ठीक है, कुछ अर्सा गुजर जाएगा इसमें और साथ साथ रीडिंग करते रहेंगे तो फिर आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और रीडिंग के लिए हमें, मतलब रीडिंग के दौरान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वोकैबुलरी। नए नए वर्ड्स आते हैं और नए नए वर्ड्स को सर्च करें, हर अगला नया वर्ड है उसको सर्च करें, उसका मतलब देखें और ये देख लें एटलीस्ट कि उसका यूज़ किस तरह से होना है, मतलब वो नाउन है, इसम है तो वो एक्शन के तौर पे यूज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ फूड, फूड खुराक को कहते हैं, तो मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खुराक खा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा आई एम फूडिंग, क्योंकि फूड जो है वो इसम है, फूड वर्ब नहीं है, अगर वर्ब होता तो फूडिंग लगा देता, खुराक खाने की एक्टिविटी को अगर कहते हैं, लेकिन फूड हमारा इसम है, उसके लिए वर्ब क्या है, ईट, तो मैं कहता हूँ आई एम ईटिंग फूड, तो ईट का लफ्ज़ वर्ब है, वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको नाउन के तौर पर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ खाना रखा था, मैं कहूँ इट इज़ ईट, ये खाना है, नहीं यार, इट इज़ फूड, सही, तो क्योंकि फूड इसम है, ईट तो इसम नहीं, ईट वर्ब है, और वर्ब की फिर हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो है हमारे वो टेंसेस के अंदर मदद देती है,
उसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमें वर्ब का पता होगा तो हम टेंस को भी सही से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम पास्ट में बात करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में करना चाह रहे हैं। एनीवेज, तो हम जब डिक्शनरी देखें तो हमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है, जो भी लफ्ज़ हम देख रहे हैं वो नाउन है या वर्ब है, ठीक है? मतलब वर्ब है कि नहीं, वर्ब है तो उसके हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है ना सेकेंड थर्ड फोर्थ फॉर्म में लेके जा सकते हैं। अगर तो वर्ब नहीं है तो फिर वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या दीगर कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके से होगा। उसका इस्तेमाल में ना सेकेंड थर्ड फोर्थ फॉर्म हमारे जिस तरह वर्ब में होती है वैसे नहीं होती उसकी। अच्छा, अब हम जब रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के दौरान कोई नया वर्ड आता है तो हमें डिक्शनरी यूज़ करनी है, ठीक है? अब डिक्शनरी यूज़ करने का तरीकेकार थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है? अब मुझे मिसाल के तौर पे कोई वर्ड सर्च करना है, लेट्स सपोज रिपेयर। वैसे रिपेयर का मतलब मुझे पता है कि किसी चीज़ की मरम्मत करना, ठीक है? अच्छा, ये जो डिक्शनरी है फिलहाल ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, आप इंग्लिश टू उर्दू भी उठा लें आसानी होगी ज़्यादा। तो रिपेयर का मतलब निकालने के लिए मैं आर पे जाऊंगा कम से कम। अभी हम कहाँ पर हैं? एफ़ पे चल रहे हैं, ऊपर वाले वर्ड्स को देखने का। तो ये हम अभी एफ़ की पट्टी में, तो एफ़ के बाद ही आता है आर, नीचे चले जाते हैं अंदाजे से, ये हम चले गए एस की तरफ, एस से पीछे है आर, ये हम आर पे आ गए, देख रहे हैं आर। अब हमारा वर्ड है रिपेयर, हमें स्पेलिंग पता होनी चाहिए अपने वर्ड की। रिपेयर की स्पेलिंग है आर ई पी ए आई आर, रिपेयर, आर ई पी ए आई आर, ठीक है? तो आर के बाद ई है फिर पी है, तो हम अभी आर ओ के अंदर हैं, तो आर ओ से पहले ही होगा आर ई, ठीक है? पहला लेटर तो हमारा सेम हो गया आर, ठीक है? लेकिन दूसरा लेटर ओ हमारे वर्ड में क्या आ रहा है? ई। तो आर ओ से यहाँ पर लफ्ज अल्फाज आ रहे हैं ना, हमें आर ई वाले चाहिए। तो ऊपर जाएंगे और आर आई, आई से भी पहले आता है ए बी सी डी ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है ना, तो आई से भी पिछला वर्ड है, पिछला लेटर है ई। ये आ गया हमारा ई, आर ई, आर ई तक तो सेम हो गया। अब उसके बाद V आ रहा है, हमारे हमें क्या चाहिए? P। तो V से पहले आता है P, R E P, R E P तक भी हम आ गए, लेकिन R E P के बाद हमें A चाहिए, U नहीं, क्योंकि रिपेयर में R E P A आता है। अच्छा, हम थोड़ा ज़्यादा पीछे आ गए ना, तो अब हम पहुँच गए R E M तक, R E M के बाद है R E P, ठीक है? R E M पे चल रहे और आर ई ओ आ गया, तो मतलब हमारा आर ई एम पे चल रहे, उसके बाद हमारा आर ई पी आ गया, लेकिन यहाँ पर आर ई पी ई है, हमें आर ई पी ए चाहिए, और पिछले पेज के अंदर हमारे पास आर ई ओ के बाद आर ई पी तक आ रहे और आर ई पी ए भी आ गया, मतलब इन दो पेजेस के दरमियान ही है। तो आर ई पी ए, रीपैक का लफ्ज़ है यहाँ पर, आई भी चाहिए मुझे नीचे, तो ये रहा आर ई पी ए आई और आर रिपेयर। अब लफ्ज़ हमारे पास रिपेयर का तो आ गया, अब अगला काम यह है, ये हमारा रिपेयर का लफ्ज़ आ गया, ठीक है? अच्छा, ये डिक्शनरी के अंदर हमारे पास मिसालें नहीं दी हुई, हमें अगला काम है ये देखना है कि ये वी लिखा है या एन लिखा है। वी मतलब वर्ब, एन मतलब नाउन, तो इसका वर्ब के तौर पर भी यूज़ है और नाउन के तौर पर भी यूजेज है रिपेयर के लफ्ज़ का। इसका वर्ब के तौर पे क्या यूज़ है? रिस्टोर टू गुड कंडीशन आफ्टर डैमेज और वेयर, किसी भी चीज़ को दोबारा से रिस्टोर कर देना। अब ये क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है ना, अब इसमें आपको अगर मतलब नहीं पता, अब मुझे तो पता है रिस्टोर का मतलब क्या है, तो ये रिपेयर का मतलब उसने रिस्टोर के मतलब से समझाया। अब जो इंग्लिश के टू इंग्लिश ही डिक्शनरी है जिसके पास, उसी से पढ़ना चाहता है, तो रिपेयर के का मतलब लिखा है रिस्टोर टू अ गुड कंडीशन, किसी भी चीज़ को रिस्टोर कर दो गुड कंडीशन में। लेकिन अब रीस्टोर का मतलब नहीं पता, तो रीस्टोर का मतलब फिर अलग से देखें इसी डिक्शनरी में, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पहले हम ऐसे ही मैन्युअली देखते थे वर्ड मीनिंग्स को। अब यह है कि हम इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं सिंपल। बहरहाल, तो यहाँ पर हमें वर्ड का मतलब मिल गया, यही चीज़ हम नेट पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल पे जाएं और लिखें गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो इस तरह की आपके पास विंडो आ जाएगी, ठीक है? मोबाइल में आप चाहें तो एप्लीकेशन कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट की, आप कोई भी ज़बान यहाँ लिखें उसका तर्जुमा वो दे देगा, ठीक है? लेकिन वो ज़बान सिलेक्ट कर लीजिएगा, खुद सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने
उर्दू स्लैक की, ठीक है, पहले तो मैं इंग्लिश पे जाता हूँ और डिटेक्ट लैंग्वेज स्टार लिख दूंगा ना तो खुद ही गूगल डिटेक्ट कर लेगा हमने किस लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा मैं इंग्लिश में लिखता हूँ रिपेयर, ठीक है, रिपेयर का मतलब ये रिपेयर ही दे रहा है क्योंकि मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश रखा है। अब इंग्लिश में क्लिक करके मैंने यहाँ पर कर दी उर्दू, तो मरम्मत, रिपेयर का मतलब मरम्मत। और उसके फिर नीचे आएंगे हमारे पास यहाँ पर इसके जो है ना मजीद डिटेल्स दी हुई है, ये एरो डाउन पर क्लिक करता हूँ अगर, तो रिपेयर का मतलब मरम्मत भी है एज अ नाउन, इसम के तौर पे मरम्मत के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एज अ वर्ब मरम्मत करना, तो इसके दोनों यूसेज हैं लेकिन रिपेयर का ज़्यादा यूज़ एज अ वर्ब ही होता है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ये गूगल ट्रांसलेट को और किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट कर लें, उर्दू से इंग्लिश में कोई लफ्ज़ चाहिए तो उर्दू सेलेक्ट करें और उर्दू से इंग्लिश में मीनिंग चाहिए आपको तो दूसरी तरफ इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और अपना उर्दू का लफ्ज़ लिखें यहाँ पर। आपके पास मोबाइल के अंदर सर्च कर रहे हैं तो आप जो है ना उर्दू टाइपिंग जानते होंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया मरम्मत करना तो उसने टू रिपेयर, सही ना। अब कोई भी वर्ब अगर ये देगा ना तो टी ओ टू लगा देगा उसके साथ, मिसाल के तौर पे ये पढ़ाना लिखा मैंने तो उसको लिख रहा है टू टीच, लेकिन जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो टी ओ टू का लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये पढ़ाने क्या मतलब इसने दिया, अब आपका इस्तेमाल कैसे होगा, टीच का लफ्ज़ आपको बस चाहिए, ठीक है, आई एम टीचिंग, आई टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आप अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, और वो आप सिंपल गूगल पे ही लिखें टीच फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो टीच की फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पर आपको बता देगा। टीच अगर हमारी बेसिक फॉर्म है तो उसकी सेकेंड फॉर्म टॉट है, थर्ड फॉर्म टॉट है और फोर्थ फॉर्म टीचिंग है, मतलब आप ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली ड्रॉप कर दीजिएगा, टीच टॉट टॉट और टीचिंग, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म है। एनीवेज ये हमारा डिक्शनरी का यूसेज था, ठीक है, अरे डिक्शनरी के यूसेज के बाद जो वर्ड्स आप सीख जाएं तो उसको याद रखने के लिए ज़रूरी है आप कहीं ना कहीं पहले तो लिखें एक रजिस्टर तो अपने साथ, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं बेसिक से बिल्कुल तो आप अपने साथ एक रजिस्टर तो रखें, एक तो ये चीज़ कि लिख लिया और इमेजिन कर ली कोई मिसाल, और फिर उसको हर कुछ वक्त बाद उन सारी वोकैबुलरीज को एक दफ़ा देख लें, ठीक है, तो आपको रिवाइज़ हो जाएंगी, बाकी आप रीड करते रहेंगे तो वैसे ही आपका जो है ना रिवाइज़ हो ही रही होंगी चीज़ें। अच्छा दूसरा हमारा जो वोकैबुलरी लर्निंग का, एक तो हमें कोई नया वर्ड आया तो उसको सर्च करना है, दूसरा फिर वोकैबुलरी अपनी बढ़ाने का सिंपल तरीका ये रीड करते रहें, बस रीड करें और लिसन करें। देखें ये बात याद रखिएगा, मूवीज़ और इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज़ और इंग्लिश सॉन्ग्स से आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं, मतलब बहुत देर से अच्छी होगी, जल्दी नहीं होगी अच्छी, क्योंकि आप जब मूवीज़ या सॉन्ग्स सुन रहे तो म्यूज़िक की वजह से आपका जो वो कॉन्सेंट्रेशन रेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तो वर्ड लिरिक्स के ऊपर आपका गौर नहीं होता, अक्सर आप म्यूज़िक इन्जॉय कर रहे होते हो। इसी तरह मूवीज़ की बात करें अगर, तो मूवीज़ देख रहे होते ना तो विजन से ही देख के ही आपको इतना समझ में आ रहा होता है कि आप सुनने पे गौर नहीं दे रहे होते, और क्योंकि आप वो इन्जॉय कर रहे हो चीज़ को ना तो आप वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा अपना हल्का ही रखते हो। आपको बाकायदा अगर लिसनिंग अच्छी करनी है तो आपको किसी किस्म के पॉडकास्ट, मतलब कोई भी ऑडियो या तो रेडियो को सुने इंग्लिश, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें कि ऑडियो स्टोरीज सुने, यूट्यूब पे कोई भी लिखे इंग्लिश ऑडियो स्टोरीज, तो जो भी ऑडियो स्टोरीज आ रहे हो प्ले करें और सुनने और समझने की कोशिश करें उसको कि क्या स्टोरी चल रही है, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल या बेसिक लेवल लिख देंगे तो बिल्कुल बिगनर्स लेवल की आ जाएगी, और वो ऑडियो स्टोरीज को सुने, ऑडियो किताबें सुने कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसको सर्च करें, ऐसी किताब का इंतखाब करें कि जो जिसकी ऑडियो स्टोरी यूट्यूब पे भी मौजूद हो, तो वो ऑडियो बुक यूट्यूब पे खोलें और अपने हाथ में वो किताब भी रखें, ठीक है, और उसको प्ले करें और पढ़ते भी जाएं और वो सुनते भी जाएं, जो सुन रहे हैं उस पर फोकस रखें और पढ़े भी, तो आपके जहन में अल्फाज की प्रोनंसिएशन भी आएगी कि किस तरह अदा किए जाते हैं और लिसनिंग भी आपकी इंप्रूव हो रही होगी, ठीक है। और फिर जहाँ जहाँ आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता, जो जो बात आ रही है समझना बहुत ज़रूरी है, पॉज करें उसको गूगल पर सर्च करें और उसका वर्ड मीनिंग देख के फिर दोबारा प्ले कर दें, इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ें एक साथ दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है। और स्पीकिंग को लेकर हमारी सिंपल है, ये तो पीछे लिसनिंग और रीडिंग को लेकर थी, स्पीकिंग के लिए आप जो कर रहे हैं ना, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप अपने आप से बात करें, मिसाल के तौर पे यार मैं चल के उस रूम में जा रहा हूँ ना अगर, तो मैं अपने आप पे ये जुमला बोलूँ, आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स दैट रूम, आई एम फिनिशिंग द वीडियो, आई एम अपलोडिंग द वीडियो, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे। फिर किसी एक पार्टनर को बना ले जो वो भी सीखना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हो, दोनों बिगनर से दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। और स्पीकिंग में कोई स्टार्ट नहीं मिला तो यही कर ले सिंपल, जो हमने ग्रामर की प्रैक्टिस है ना,
अकेले जो बैठ के कर रहे थे वो किसी के साथ कर लें कि उर्दू में जुमला बोले वो इंग्लिश बोले, वो उर्दू में फिर कोई और जुमला बोलता आप उसकी इंग्लिश बनाए, ठीक है। और फाइनली हमारा असाइनमेंट, जो अब हम अपने जो मैंने कहा ना हमारी क्लासेस में असाइनमेंट्स लोड कर रहे हैं, तो आज की क्लास के जो असाइनमेंट होंगे वो आपको बहुत सारे जो है ना वो दिखेंगे, टैब्स दिखेंगे, वो खोलेंगे तो किसी में पार्ट्स ऑफ द बॉडी होगा, बिल्कुल बेसिक है पार्ट ऑफ द बॉडी कि मतलब ये फोरहेड कहलाता है, ये कान कहलाते हैं, ये चीक कहलाते हैं, टंगे, छोटे बच्चों का सारा स्टफ है, इसी तरह बैक और पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से किचन के बेसिक आइटम्स जो यूज़ करते हैं तो वो सारे इस मतलब जो भी हमें समझ में आ रहे हैं ना, जो कॉमन चीज़ है वो हम अपलोड करते चले जाएंगे, दो मिसालें वैसे आपको असाइनमेंट में इंशाल्लाह नजर आएंगी, तो उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, जज़ाकअल्लाह।